सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सारा टीवी चैनल को लेकर। सारा टीवी चैनल जो कि दोस्तों DD4DISH से रिमूव कर दिया गया है, किस कारण से किया गया है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। एंड दोस्तों, ये जो चैनल है क्या हमें वापस देखने को मिल सकता है, ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, क्योंकि दोस्तों सारा टीवी चैनल को लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल ही कम समय हुआ है, जबकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ये जो चैनल है लॉन्च हुआ था। और दोस्तों, इस पर जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हैं जिनका हम दोस्तों काफी ज्यादा पसंद करते थे। तो देखिए, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, एंड साथ में दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी दबा के ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लें सारा टीवी चैनल को लेकर। तो देखिए, ये जो INTN मीडिया के नेटवर्क का जो चैनल था, ठीक है, और इसको जो DD4DISH फाइनली लॉन्च कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो पैड DTS पर इसकी TRP नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो महंगा चैनल है DD4DISH का, महंगा चैनल था जिसकी जो प्राइस थी 5 रुपये थी, वो सबसे महंगा चैनल था। और अभी यहाँ पर प्राइवेट DTS का दबाव पड़ रहा है, DD4DISH के जो भी प्राइवेट चैनल्स हैं वो सब कुछ दबाव डाल रहे हैं यहाँ पर कि वो चैनल्स अपने DD4DISH से हटा लें। तो दोस्तों उसी के कारण से यहाँ पर दोस्तों ये जो चैनल है सारा टीवी चैनल है वो यहाँ पर पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर कलर बार देखने को मिल रहा है, और ये कोई भी टेक्निकल इशू नहीं कह सकते, बल्कि यहाँ पर यही जो कारण है, यहाँ पर आपको बता दूँ, प्राइवेट DTS का दबाव जिसके कारण से ये जो चैनल है रिमूव किया गया है, और इसको जो वापस आने के चांस हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज रह सकती है, और आने वाले टाइम में दोस्तों और भी जो चैनल्स हैं DD4DISH से रिमूव हो सकते हैं, जो कि दोस्तों हमें देखने को ना मिले, ठीक है। तो प्राइवेट DTS का दबाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हाई कोर्ट में भी जो जा चुका है केस, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों क्या ये जो चैनल है वापस आता है। तो और ज़्यादातर जो चांस है अभी हाल फिलहाल में ये जो चैनल है वापस आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस नहीं, यही जो जानकारी थी आप तक शेयर करनी थी, और इससे जुड़ी कोई और भी इन्फॉर्मेशन निकल कर अगर आती है तो हम उसकी जो जानकारी है आप तक शेयर कर देंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल पर बने रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।